समग्र राज्य में आज थी दिवाळी वेकेशन नो माहौल जाम्यो छे। रेलवे बस स्टेशन पर मोटी संख्या में लोकोनी भीड़ एकत्रित थई रही छे। वतन अने प्रवासन स्थल तरफ लोकोनो धसारो वधी रह्यो छे अने आज भीड़ ने पहुंची वळवा माटे वधारानी एसटी बस नी व्यवस्था पण उभी करवामां आवी छे। परंतु तकनो लाभ लई रह्या छे केटलाक खानगी वाहन चालको। खानगी वाहन चालको आ तकनो लाभ लईने जे निर्धारित करवामां आव्यु होय छे भाड़ु तेना करता वधारानुं भाड़ु वसूलीने तेवो उघाड़ी लूंट मचावी रह्या छे। तो समग्र राज्यमां वेकेशनना माहोल वच्चे केटलाक लोको पोताना वतन तरफ जई रह्या छे तो केटलाक लोको प्रवासन स्थळनी मुलाकात माटे आगळ वधी रह्या छे। भीड़ है ते लोगों ने जोवा मळे छे। सूरत खाते जे रेलवे स्टेशन हतुं त्यां भारे भीड़नी अंदर 5 जेटला लोको हता, तेमना श्वास रूंधा हता। तदुपरांत एक व्यक्तिनु मौत थया होवानो पण समाचार छे ते सामे आव्या हता। जो कि रेलवे तंत्र छे ते हाल एलर्ट बन्यु छे अने तमाम जग्याए पोलीस तेमज जे एम्ब्युलेंसनो स्टाफ छे ते तैनात करी देवामां आव्यो छे। हाल वडोदरा रेलवे स्टेशन पर रेलवे विभागना जे डीआरएम छे ते विजिट माटे अहीं पहोंच्या छे। डीआरएम जितेंद्र सिंह छे, आपणे तेमनी साथे वात करीशुं। शुं कहेशो सर, सूरतमां जिस तरह से घटना घटी, वडोदरामां किस तरह की स्थिति? नहीं, अभी तो ऐसा है कि अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, दिवाली का, छठ का, तो भीड़ रहती है स्टेशनों पे, तो उसके लिए काफ़ी व्यवस्था भी करी गई है। तो हम लोग रेगुलर कई दिनों से इस पर प्लानिंग कर रहे हैं, रोज़ आके रिव्यू करते हैं। तो मेन चीज़ें क्या है कि एक तो बुकिंग काउंटर है हमारा, काउंटर को बढ़ा दिया गया है कि पैसेंजर की भीड़ जहाँ कम हो जाए वहाँ पर। फिर GRP की स्ट्रेंथ डबल हो गई, यहाँ पर 25 होते थे रात में 50 हो गए। RPF का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है, पार्किंग सर्कुलेशन एरिया वगैरह का, और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम बिल्कुल और डिस्प्ले सिस्टम भी सुचारू रूप से काम चल रहा है, और सब लोग अलर्ट हैं कि अच्छे से काम ठीक चल रहा है यहाँ पे। अभी तो ठीक है, स्थिति नॉर्मल है, पर जिस तरह से सूरत में घटना घटी वहाँ पे एम्बुलेंस, यहाँ पे बड़ौदा रेलवे स्टेशन पे किस तरह की आयोजन? देखिए, भीड़ तो है ही है, ये तो चैलेंज रहता ही है, पर इसको मैनेज करना है और सारे लोग हैं यहाँ पे, तो पूरा हम लोग का तो ये रेगुलर काम है ये। और कोई खास व्यवस्था पैसेंजरों के लिए? नहीं, व्यवस्था में बुकिंग काउंटर बढ़ा दिया गया, और ट्रैफिक सर्कुलेशन प्लान में GRP RPF का डिप्लॉयमेंट अच्छा हो गया है यहाँ पे, और PA सिस्टम डिस्प्ले सिस्टम अच्छे कर दिए गए हैं, और स्पेशल ट्रेन जैसे हरिद्वार की चल रही है यहाँ से गाड़ी यहाँ से, और सोमवार को गोरखपुर की चल रही है स्पेशली बड़ौदा से। बाकी वेस्टर्न रेलवे ने बहुत गाड़ियाँ चलाई हैं, जैसे बॉम्बे डिवीजन ने कल 8 गाड़ियाँ चलाईं, अहमदाबाद ने चलाई, तो स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। थैंक यू। तो आता DRM जितेंद्र सिंह अने तेओए जणाव्युं ते रीते जे उत्तर भारत तरफ जती ट्रेनो छे तेमां हाल भारे भीड छे ते जोवा मळे छे। दरेक जग्याए अत्यारे आ स्थिति छे, परंतु वडोदरा शहेरनी अंदर अत्यारे स्थिति नॉर्मल छे। वात करवामां आवे तो जे जितेंद्र सिंह छे ते अत्यारे वडोदरा रेलवे स्टेशनની વિઝિટ લઈ રહ્યા છે। તમામ પ્રકારનો જે પોલીસનો સ્ટાફ છે તે તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યો છે। SRP હોય, રેલવે પોલીસ ફોર્સ હોય, તમામ જે સ્ટાફ છે તે અત્યારે અહીં તૈનાત જોવા મળે છે। સતત જે છે તે નિગરાની રાખવામાં આવી છે, તેમજ કોઈપણ પ્રકારનો અનિચ્છનીય બનાવ ન બને અથવા તો ભીડ જામી ન થાય તેને પણ સર્ક્યુલેશન કરવાની હાલ જે વ્યવસ્થા છે તે કરવામાં આવી છે। કેમેરામેન લિકે સોલંકી સાથે અલ્પેશ સુથાર, ગુજરાત ફર્સ્ટ, વડોદરા।